हेलो एवरीवन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्लेस एंड टुडे टॉपिक इज डिस्कशन ऑफ ए फाइबर क्रॉप जिसे हम बोलते हैं हिंदी में तिली या फाइबर की टर्म में बोलें तो फ्लैक्स फाइबर्स वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप एंड जो फ्लेक्स फाइबर्स होते गाएस वो मिलते हैं स्टेम से तो आपको आइडिया हो चुका हो क्योंकि मैं बहुत सारी क्राफ्ट का स्टडी आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ अपने चैनल बायोलॉजी ब्लिज पे, कि स्टेम से मिलने वाले फ़ाइबर्स को हम बोलते हैं बास्ट फाइबर्स अब यहाँ पे बात आती है कि कुछ इंटरनल पार्ट्स और कुछ आउटर पार्ट्स अभी तक हमने जो फाइबर्स की बात करी थी स्पेशली बास्ट फाइबर केस में जैसे सनहेम्प एंड जूट के केस में तो वो थे प्योरली स्टेम फाइबर्स ये भी स्टेम फाइबर्स है बट ये स्टेम के आउटर मोस्ट पार्ट जिसे हम बोलते हैं पेरीसाइकिल जिसे बोलते हैं स्किन ऑफ द स्टेम कह सकते हैं गाइज ये उससे मिलने वाला फाइबर होते हैं जिसे हम बोलते हैं फ्लैक्स फाइबर ठीक है गाइज तो ये बास्ट फाइबर ड्यू टू तो प्रेजेंस ऑफ स्टेम एंड स्पेसिफिकली इट इज ऑपडेंट फ्रॉम द स्किन ऑफ द स्टेम जिसे हम बोलते हैं पेरीसाइकिल ठीक है गाइज ये ध्यान रखने की बात है कि फ्लैक्स फाइबर स्टेम से तो मिलते हैं बट इन स्टेम के सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जिसे हम बोलते हैं पेरीसाइकिल जो कि इंटरनल होती बाकी बाद में तो हमारा टेक्निकली हम बोल सकते हैं बार का आ जाती है कार्ट आ जाता है मगर जो रियल पार्ट होता है जो इंटरनल फिजियोलॉजी का एनाटॉमी का वो पेरीसाइकिल होता है तो ये पेरीसाइकिल से मिलने वाला फाइबर होता है जिसे हम बोलते हैं फ्लैक्स फाइबर अब देखते हैं फ्लैक्स फाइबर के बारे में थोड़ा सा फाइबर की केवल इंपॉर्टेंस फिर हम बात करेंगे इसके बॉट निकलने में टेक्सोनॉमी की पूरी डिटेल स्टडी करना है गाइज तो सबसे पहले फ्लैक्स फाइबर जो होते हैं स्ट्रॉन्ग और सबसे ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नॉन लिग्निफाइड जैसा कि हमने पढ़ा था आपके लिए कॉटन में अब चूँकि कॉटन जो है सरफेस फाइबर्स हैं मगर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बास्ट फाइबर मतलब स्टेम से मिलने वाले फाइबर बट एक सिमिलरिटी हो गई यहाँ पे कि वो भी नॉन लिग्निफाइड थे और ये भी नॉन लिग्निफाइड है क्योंकि बिल्कुल भी लिग्निन का कंटेंट बिल्कुल यहाँ पे नहीं पाया जाता है और इस नज़रिए से जो कॉटन के फ़ाइबर थे वो सबसे ज़्यादा मतलब अनचैलेंजेबल ग्रुप ऑफ थी फाइबर्स जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फाइबर थे उसी तरीके से बास्ट फाइबर में भी लिग्निन बिल्कुल नहीं होता बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बहुत मोस्ट अप्रोप्रिएट फाइबर्स नहीं है फिर भी यहाँ पर लिग्निन नहीं पाया जाता इट इज़ सिमिलरिटी बिटवीन द कॉटन फाइबर्स एंड फ्लैक्स फाइबर ठीक है सॉफ्ट होते हैं फ्लैक्सीबल होते हैं क्योंकि फ्लेक्सिबल भी इसलिए होंगे क्योंकि लिग्निन का अमाउंट बिल्कुल नहीं है तो स्टिफनेस बिल्कुल नहीं होगी तो दूसरा क्या है अपोजिट टू लिग्निन स्टिप फ्लेक्सिबल होंगे लेस लस्चर साइनिंग पेल एलोइस थोड़ा सा एलोइस कलर के नज़र आते हैं एंड हाई वाटर एब्जॉर्बेंस क्वालिटी मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी और वाटर को दोबारा मतलब निकालने की मतलब उसे स्केच करने की प्रॉपर्टी भी होती है तो हम कहेंगे हाई वाटर एब्जॉर्बेंस की जो क्वालिटी होती है वो भी होती है अब जो फ्लैक्स के फाइबर्स होते हैं ये इनका जो स्पेसिफिक फीचर है वो इनकी स्ट्रेंथ और इनकी ड्यूरेबिलिटी ठीक है थीके? और कॉटन के कंपेयर में करें या फिर दूसरे जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं या सरफेस फाइबर्स फाइबर जैसे कॉटन कंपेयर में करें तो कॉटन से ये दो मामलों में अच्छा होता है स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी कॉटन के अलावा रेन एंड बूल से भी दोनों सिंथेटिक फाइबर इनके कंपेयर में भी ये इंपॉर्टेंट होता है इट इज़ ए माइनर क्रॉप माइनर का मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पर ग्रो नहीं करी जाती इन ए वाइड रेंज ऑफ कंट्री क्लाइमेट ऑफ मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स इट इज़ ए प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉवल बायो प्रोडक्ट जैसे बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट भी बनते हैं ड्यू टू इट्स एडाप्टेबिलिटी एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिटी मतलब ये बहुत सारे प्रोडक्ट इससे बनाए जाते हैं और ये अडाप्टेबिलिटी का मतलब है कि डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनने की इसके अंदर क्षमता होती है मतलब अभी हम बात करेंगे जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है कि फाइबर क्रॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम इसे स्टडी कर रहे हैं बट सब ये सबसे इंपॉर्टेंट कुछ जगहों पर ये केवल आयल के लिए यूज़ करिए जैसे इंडिया में इसका जो प्रोडक्शन होता है वो फाइबर के लिए नहीं होता बल्कि आयल क्रॉप के फार्म में किया जाता है आप इसका यही देख लें कि इसका जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है जैसे कि ये कहीं पे ग्रो कर जाती है स्पेसिफिकली फाइबर्स के लिए और कुछ एरिया में ग्रो कर जाती है सीड सीड का मतलब आयल्स ठीक है तो इट हैज बिन कल्टीवेटेड सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स इन टू मेन जियोग्राफिकल एरिया जैसे हम कहें कोस्टल लैंड ऑफ मेडिटेरियन या फिर टम्परेट जोन जो हमारा है कोल्ड वाला उसमें ये फाइबर के लिए ग्रो करी जाती है जबकि साउथ वेस्ट हमारा अपना इंडिया जो आ रहा है जिस कंट्री में या ट्रॉपिकल जोन में ये सीड्स के लिए सीड्स का मतलब ये ऑयल के लिए ग्रो करी जाती सब कंटेस्टिंग फीचर है सबसे कंटरेस्टिंग फीचर्स इसका यही कि ये क्रॉप दो नज़रिए से ग्रो करी जाती है कहीं पर ऑयल के लिए और कहीं पर फाइबर के लिए अब इसके बात करें कहाँ पर जो ओरिजिनल हुई थी तो ये मेडिटेरियन या साउथ वेस्ट एशिया जो हमारा इंडिया आता है इट इज़ फर्स्ट फॉर फाइबर क्रॉप के नजरिए से इसे लोग कल्टीवेट करते थे पुराने टाइम में अब सबसे इंपॉर्टेंट किसका बॉटनिकल नेम क्या होता है तो गाइस इसका बॉटनिकल नेम होता है लाइनम यूसीटा टीसीमम ठीक है ये इसका बॉटनिकल नाम होता है फ्लैक्स का ठीक है अब इसके बारे में थोड़ा सा और हिस्ट्री हम इसकी जानते हैं कि जो हमारे सबसे बड़े एक टेक्सोनिस्ट हुए हैं लिनियस उन्होंने अपनी बुक में जिसका नाम था स्पीसीज प्लान जो लगभग 1857 में पब्लिश हुई थी उसमें भी इस क्रॉप का उन्होंने जिक्र किया था ठीक है किस फार्म में किया था कि लाइना मिजे हरवेसियस प्लांट विद सेलो रूट सिस्टम क्योंकि डाई होता है तो डाई में कैसा होता है ये रूट है नॉट नॉट नहीं है तो सहलो रूट सिस्टम अच्छा एक फ्लैक्स और होती है जब हम पेल फ्लैक्स बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं लाइनम अंगस्टी फोलडियम इसे ध्यान रखने आप वैसे हमारा जो टारगेट है वो केवल आपका लाइनम सीमम से है ठीक है जिसे हम बोलते हैं फ्लैक्स अच्छा फैमिली उसकी होती है लिनेसी जो कि डाई कार्ड फैमिली है नेटिव आपका बेस्ट एशिया जिसमें आपका तुर्कमस्तान अफगानिस्तान और इंडिया आता है यहाँ पर नेटिव मतलब इसकी ग्रोइंग हुई है अब इसके बारे में जैसे कोई बॉडी होती जो इस जैसे हमने अब कॉटन के बारे में बात करी थी या दूसरे फ्लैक्स के बारे में सॉरी जूट के बारे में बात करी थी उसी तरीके से फ्लैक्स के बारे में कोई गवर्नमेंटल बॉडी तो नहीं है बट एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है बट उसे जो लेवल मिला हुआ है वो स्टेचनरी लेवल मिला हुआ है ऐसा नहीं है कि प्योरली प्राइवेट है तो उसे हम बोलते हैं फ्लैक्स इंडिया लिमिटेड ये जो है आपका मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 8 जनवरी 1987 में जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कारपोर्ट अफेयर्स में के अंतर्गत ये काम करती है लेकिन पब्लिक इनकॉर्पोरेटेड नॉन गवर्नमेंटल कंपनी है गाइस तो फ्लेक्स इंडिया लिमिटेड ध्यान रखें इसका कार्यालय कहाँ पर हेडक्वार्टर मुंबई में और 1987 में इसकी स्थापना हुई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ये आती है अब हम इसके बात करते हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट पॉइंट हैं इसके बारे में गाइज इसका कॉमन नेम जो होता है वो इसे हम कॉमन फ्लैक्स बोलते हैं और ट्रेड नेम की हम बात करें तो अब बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है तो उसे हम बोलते हैं लिंसिड ट्रेड नेम ठीक है और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं फ्लैक्स जो हम बोल रहे हैं हिंदी में मुझे टीसी बोलते हैं संस्कृत में जो हम सबसे कॉमन जो हम लोग जानते हैं जा अलसी कहते हैं और अलसी जो इसका टर्मोलॉजी है गाइज वो संस्कृत की टर्मोलॉजी है जिसे हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं अलसी है। अच्छा इससे जो कपड़ा बनाया जाता है उससे हम बोलते हैं लाइनन देखिए गाइज़ ये बड़ा टिपिकल बहुत सारे क्वेश्चन इसे आए हुए एग्जाम में देखें लाइनिंग जिसमें बेडशीट और टेबल लाइनिंग वगैरह आती है देखो जब हम लिंसिट बोलेंगे इसका मतलब है हम इसे ग्रो करना रहे आयल के लिए एक ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं जब हम फ्लेक्स बोलते हैं तो इसे बोलते हैं कि हम फाइबर के लिए हमने अपना टाइटल दिया था फ्लैक्स क्योंकि हमारे सिलेबस में यू पी का जो एग्जाम होने वाला है उसके सिलेबस में इट इज़ ए फाइबर क्रॉप तो हमने इसे फ्लैक्स बोला हमने इसे लिंसिट नहीं बोला लिंसिट इसका नाम ट्रेड नेम भी और लिंसिट इसके तब हम इसे यूज करते हैं जब हम इसका हमारा जो नेगेटिव होता है टू ड्यू टू ग्रोइंग ऑफ दिस क्रॉप कि हम इसे आयल पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से कल्टीवेट कर रहे हैं ठीक है अच्छा बात है ये क्रॉप या इससे मिलने वाले फाइबर जो है किस क्रॉप के लिए किस चीज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं गाई तो सबसे इंपॉर्टेंट आज के सिनेरियो का को क्वेश्चन है ये कि जो ग्लास फाइबर्स है उसका सब्स्टिट्यूट है ये अच्छा पॉपुलर वैरायटी जो है इसकी लिंसिड की वो इंडिया में जो ग्रो करी जाती है उसमें देख लेते हैं गाइस यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं इसमें मोस्टली आप देखिए जितने भी हैं वो आपके स्त्री पुल्लिंग हैं जिसे कहना फीमेल वर्जनस हैं आप देखिए शिखा पद्मिनी सिला पार्वती मीरा और रश्मि केवल दो नाम आप ध्यान रखना है गौरव और जीवन ये नाम है, आपके मेल वर्जन वाले हैं और बाकी एक जे एल एस नाइन और एन एल नाइन्टी सेवन ये कुछ सिग्निफिकेंट वेराइटीज़ हैं फ्लैक्स की इसके बाद यहाँ से भी क्वेश्चन आने के बहुत ही इंपॉर्टेंट चांसेस हैं इसलिए मैंने अपने लेक्चर के सबसे स्टार्टिंग में इन्हें टर्म को यूज़ किया है और इसके बहुत रिसेंट ये डेटा है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स कौन है फ्लैक्स का अगर हम ग्लोबल लेवल पर बात करें तो गाय इसका जो जो है वो आपका कनाडा आता है कनाडा आपका कहाँ है कनाडा नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है और इसके अलावा रसिया और कजाकिस्तान भी इसमें मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वहाँ भी इसका मतलब बहुत बड़ा प्रोड्यूसर्स होता है मगर जो तो 2020 की जो रैंकिंग आई है ए की उसमें मतलब एफ ए जैसे बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन उसमें आपका नाम है कनाडा का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है ग्लोबल लेवल पे कनाडा है और कनाडा में इसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन होता है ठीक है उसके बाद चाइना यूएस ए इंडिया और यूरोपियन यूनियन का भी नाम मगर आपको ध्यान रखना है कनाडा और रशिया का ये इनमें इंटरचेंजिंग होती रहती है कभी रशिया आगे, आगे हो जाता है कभी कनाडा आगे हो जाता है क्योंकि आपने देखा होगा दोनों ही टेम्परेट कंट्रीज हैं और टेपरेट कंट्री में इसका ग्रो करने का मेन मकसद क्या होता है आयल क्रॉप के फार्म में अब इसका आता है कि लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है कौन सी क्रॉप इसे परचेस करती है इसे बने फाइबर को या इसके प्रोडक्ट तो वो करती है बेल्जियम और चाइना चाइना प्रोड्यूसर भी काफ़ी बड़ा है मतलब इसे इंपोर्ट भी सबसे ज़्यादा करता है बेल्जियम से कम मतलब सबसे बड़ा जो इंपोर्टर है वो बेल्जियम है अब इसके बाद आता है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है भाई जो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा नॉर्मली वही इसका इंपोर्टर होता मगर ऐसा नहीं है बहुत सारी जगहों पर ऐसा नहीं होता है मगर इस केस में ऐसा है कि जो बड़ा प्रोड्यूसर है वही सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है तो कनाडा ही सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है अब हम अपने भारत की बात कर लेते हैं कि भारत में कौन सा स्टेट हमारा सबसे आगे है इन फ्लैक्स कल्टिवेशन में गैस तो इसमें भी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि चेंज होता रहा कभी यूपी हो हो कभी बिहार कभी छत्तीसगढ़ यहाँ पर मध्य प्रदेश का नंबर पहला आता है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द केस ऑफ़ फ्लैक्स तो वो है आपका मध्य प्रदेश ठीक है हमारा सेंट्रल स्टेट है अब टेक्सनॉमी की बात कर लें एक पॉइंट लिख दिया था तो आर्डर जो मेल पी जी एल्स सुना होगा आपने उसमें भी देखा होगा प्लांट के एनिमल के केस में तो उससे कन्फ्यूज ना हो मेल पी जी एल्स जो आर्डर है उसका मेम्बर आता है अब आता है इसमें केमिस्ट्री के बारे में तो सेलोलोज की परसेंटेज भी काफ़ी अच्छी है ऐसा नहीं है कि बहुत कम है बहुत अच्छा सा परसेंट है एट्टी टू नाइन्टी परसेंट एट्टी तो कम लगती है उस पर्पज से जैसे अगर हम कॉटन से कंपेयर करें क्योंकि कॉटन में नाइन्टी फोर टू नाइन्टी सिक्स परसेंट सेल्यूज होता है और लिग्निन बिल्कुल नहीं होता है यहाँ भी लिग्निन बिल्कुल नहीं है और सेलोज़ की परसेंटेज भी अच्छी है उसके अलावा जो पेक्टिन होता है वो छः परसेंट होता है मगर लिग्निन का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है गाइस देखिए लिग्न बिल्कुल नहीं है अब इसकी हम कुछ पिक्चर देख लेते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाए देखिए इसे हम लोग जो इंडिया में बोलते हैं कॉमनली इसे हम अलसी बोलते हैं ठीक है गाइस जो इसका संस्कृत में नहीं है इसके प्लांट की हम इस प्रोरोफाइट को देख लें तो इस तरीके से होता है दिस डायग्राम इज़ ऑन हार्वेस्टिंग पॉइंट पे है ठीक है जब बिल्कुल क्राप हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है अब ये देख लेते हैं इससे मिलने वाले ये फाइबर्स हैं और फाइबर्स के बाद इससे कुछ हमारे इंडिया में कुछ डेलीसियस मतलब आइटम बनते हैं स्पेसिफिकली विंटर सीजन में तो वो कुछ आइटम्स हैं इसके बाद हम इसके स्पोरोफाइट इस का देख लेते हैं वेजिटेटिव स्टेज पे गाइस देखिए कितना खूबसूरत डायग्राम है जिसमें इसके लाइट इस येलोइ कलर के इसके आपको फ्लावर देखने को मिल रहे हैं ठीक है ये वेजिटेटिव स्टेज का डायग्राम अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू बात कर लेते हैं गाइज़ देखिए ये फ्लेक्स का स्पोरोफाइट है अगर हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो इस तरीके से इसके फाइबर्स और फिर उनसे हम सीड थ्रेसिंग कर लें दूसरा हो गया भाई एक फाइबर्स के लिए हो गया और एक सीड के लिए हो गया दोनों हमारे नेगेटिव हैं इस क्रॉप से हम चाहे हार्वेस्टिंग कर लें चाहे सीड के लिए कर लें अब अगर सीड हम कर रहे हैं तो इसके यहाँ ये फ्लैक्स आ गया फ्लैक्स सीड हो गया और से हमने क्या करा उनका आयल हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया आयल निकाल लिया अब आयल से फ्लैक्स से सीड से ही हम क्या करते हैं न्यूट्रिशनल तो बेनिफिट है अगर हम सीड्स को ही खा लें तो हमारा जो हार्ट है पूरा फिजोलॉजी का डाइग्राम दिखाया दूसरा ये है कि इधर से चलते हैं हम कि जो हार्वेस्टिंग हमने फाइबर निकाला फाइबर से हमने लेने क्राफ्ट निकाला क्राफ्ट से हमने फ्लैक्स फाइबर निकाल लिया फाइबर से हमने टूंस और रोप्स का फार्मेशन कर लिया रस्सी वगैरह हमने बना ली गाइस इसके बाद हम इसका कुछ और एप्लीकेशन देखते हैं जो कि हम देखते हैं कि हमारी जो क्रॉप में होता है कि किस तरीके से ये प्लांट जो होता है एज ए बायो एकूमुलेटर्स जो कहना चाहिए ज़मीन से जो हमारे हैवी मेटल्स होते हैं इन्हें रिमूव करने में भी ये इस डायग्राम से हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि हाउ फ्लैक्स इज इम्पॉर्टेंट इन फाइटो रिमेडेशन और सेकेंड पॉइंट हम इसका ये देख सकते हैं इस डायग्राम से कि किस तरीके से ये जो फ्लैक्स होता है हार्वेस्टिंग के बाद इससे सीड मिलते हैं जिन्हें फ्लैक्स सीड बोलते हैं और एक इससे फाइबर मिलते हैं फाइबर में क्या होता है इसके स्टेम्स होते हैं और स्टेम से हम हमने बायोडीजल्स की बात कर सकते हैं तो बायो एनर्जी या दूसरा इसके स्टेम से हम कंपोजिट मटेरियल का फार्मेशन कर सकते हैं जो कि एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ द ग्लास फाइबर्स दूसरा इसके फाइबर का एप्लीकेशन ये हो सकता है कि इसमें लिप्स और स्लेज भी होता है ठीक है तो स्लेज से हम अरनामेंटर प्रोडक्ट बना सकते हैं और तीसरा ये कि इसके जो फाइबर्स होते हैं उनका पेपर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल मतलब लाइन एन जो इसका टेक्सटाइल का जो मटेरियल है रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल दैट आपटेन फ्रॉम द फ्लैक्स दैट इज नोन एज लिनन एल आई एन इसे ध्यान रखना है और भी तीन नाम इसके आगे आएंगे मगर सबसे जो कॉमन टर्म है रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री दिस इज लाइन इस तरीके से उसके बाद हम एक बात कर सकते हैं फ्लैक्स सीड जो होते हैं तीन अपलीकेशन को देखिए एक फाइबर से क्रिएट हुआ इतने सारे एप्लीकेशन एक दो ये तीन फाइबर्स के एप्लीकेशन इसके बाद जो इसके सीड मिलते हैं उन सीड से हम क्या कर सकते हैं उन सीड को हम ऐसे आयल की फार्म में खा लें या उनका डायरेक्ट हेल्थ का बेनिफिट अगर हम पूरी कंप्लीटली उसे ठीक है अब आयल वेजिटेबल आयल में यूज़ कर सकते हैं हम खाने जैसे हम सरसों का तेल यूज करते हैं उसी तरीके से हम अलसी का तेल भी यूज़ करा जाता है और तीसरा इसका बार्निश वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है तो ये इसके एक चार्ट के थ्रू हमने इसके एप्लीकेशन को आपको डिफाइन कर दिया अब हम देखते हैं फिर से इसके बारे में कि जो हमारा पूरा जियोग्राफिया है पूरी वर्ल्ड का उसके अकॉर्डिंग ये क्राप जो थी तीन तरीके से ग्रो करी जाती है देखिए अगर बेस्ट एशिया में ग्रो करते हैं जहाँ हमारा इंडिया आता है तो इसे मेनली आयल क्राप के रूप में यूज़ करा जाता है मतलब कल्टीवेट करते हैं नॉर्थ अमेरिका जिसमें हमारा अमेरिका कनाडा और आपका मैक्सिको आता है उसमें फ्लैक्स ह्यूमन कंजप्शन ह्यूमन कंजप्शन का मतलब हुआ कि फाइबर और आयल दोनों के लिए ठीक है तीसरा आता है यूरोप यूरोप में केवल इसे हम जो होता है सीट के सीट का मतलब आयल के लिए यूज करते हैं मतलब एशिया में यूरोप में प्योरली इसे करा जाता है आयल के लिए जबकि नॉर्थ अमेरिका में इसका मेनली फाइबर्स ठीक है ना कनाडा इसीलिए तो नंबर एक पे है अब आता है कुछ स्पेशल फीचर्स इस क्रॉप के बारे में फीचर अभी हम फाइबर की बात नहीं कर रहेगा हम फाइबर के नेगेटिव से इस क्रॉप को स्टडी कर रहे हैं बट अभी यहाँ पर हम ओवरऑल फ्लैक्स जो हमारी क्रॉप होता है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानना चाह रहे हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में देखिए लाइन इन ऑप्टेंट फ्रॉम फ्लैक्स फाइबर इज वन ऑफ दी बेस्ट रॉ मटेरियल फॉर दी टेक्सटाइल मतलब इससे बनने वाला जो कपड़ा होता है तो उसके रॉ मटेरियल जो फ्लैक्स बनता है उसको क्या बोलते हैं लाइन इन इसके बाद आता है स्विज लेक डिंग ये एक सबसे ओल्डेस्ट सेटलमेंट है यूरोप में जहाँ पे इस फ्लैक्स के कुछ फाइबर्स के फ्रेगमेंट पाए गए ठीक है जो कि दस हज़ार साल पुराना है इसके बाद आता है एट द टाइम ऑफ फराहोज ये क्या होता है जो इजिप्ट में मोनार्च थे उनका एक टाइटल होता है ठीक है बिफोर इंटरिंग रोमन एम्पायर जब वहाँ पे नहीं था उससे पहले जो इजिप्ट के ना मोनार्ची चलती थी जो किंग होता था उसके लिए एक टाइम यूज़ करा जाता था जिसे बोलते थे फराज़ ठीक है उस टाइम भी इस लाइनन की कल्चर थी वहाँ पे और एक हाई डिग्री ऑफ परफेक्शन भी पाया गया कि एंशियन कल्चर जो है लाइन इजिप्ट की उसमें लाइनिन का यूज़ किया जाता था गाइस इसके बाद ये भी नोटिस कराया गया कि जो ओल्डेस्ट ममीज़ थे ठीक है आपने देखो इजिप्ट की मम्मी से बहुत फेमस है उन्हें इसी की लकड़ी उसे बांधा गया हुआ लाइन इन ओल्डेस्ट वाले इसके बाद अगर हम बात करें तो एनशियट कल्टिवेशन ऑफ फ्लैक्स इज इजिप्ट इज सब्सिड बाई फ्लैक्स कल्चर एंड प्रिपरेशन ऑफ द दाल टोम्स एंड थीवीज ठीक है का मतलब होता है जो एंशियंट इजिप्शियन सिटी थी जहां आज के टाइम में उसके जो रूंस पाए जाते हैं जो खंडर पाए जाते हैं उनमें इसका मतलब इसकी जो एक झलक देखने को मिलती है कि वो वहाँ के लोग उस टाइम कल्चर फ्लैग से कहीं ना कहीं मतलब उन्हें फाइबर के बारे में पता था टूडे फ्लैक्स ग्रोइंग इन कंसर्न टू टेम्परेड पार्ट ऑफ यूरोप आज जो टेम्परेट यूरोप पूरा मोस्टली टेम्परेट है तो उसमें ये ग्रो करा जाता है लिटिल फ्लैक्स इज ग्रोन फाइबर फॉर यू एस ए बिकॉज हाई लेवल नीड्स फॉर कल्टिवेशन ऑफ प्रोसेसिंग यू एस ए में इसका नंबर थोड़ा कम है यू एस ए का बहुत पीछे नंबर कल्टिवेट किया जाता है क्योंकि इसमें कल्टिवेशन और प्रोसेसिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है फ्लैक्स इज माइनर क्रॉप इन जापान एंड अदर पार्ट ऑफ एशिया इन एरियो में बहुत ही माइनर थोड़े लेवल पर करी जाती है इसके बाद आप बेस्ट क्वालिटी फ्लैक्स कम से बेल्जियम सबसे अच्छे क्वालिटी का जो फ्लैक्स होता है वो कहाँ से आता है बेल्जियम से और अभी आपने क्या पता था बेल्जियम के बारे में सबसे बड़ा इंपोर्टर भी बेल्जियम है ठीक है तो कहने का मतलब है ये परचेज़ करने के बाद उनसे बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाता है एरीलैंड इज़ बर्ड मेन सेंटर ऑफ लाइन इन मैनुफैक्चरिंग फॉलोड बाई क्लोजली बेल्जियम मतलब ये परचेज़ करते हैं और उनसे प्रोडक्ट बनाते हैं इसके बाद जो वेरायटी होती हैं फ्लैक्स की उनमें एक सिंपल करेक्टरिस्टिक होता है कि जो वरायटीज़ फाइबर के लिए ग्रो करी जाती हैं और दूसरी वरायटी जो सील सीट के लिए मतलब आयल के लिए ग्रो करी जाती हैं उनमें काफ़ी करैक्टरिस्टिक डिफ्रेंस पाए गए हैं इसके बाद है, कल्टीवर्स ग्रोन फॉर फाइबर्स आर जनरली हमने ये देखा कि वो सिलेंडर स्मूथ स्टेम्ड अनब्रांच होते हैं क्योंकि अगर ब्रांचिंग हो गए तो स्टेम में प्रॉब्लम्स आएगी तो जो फाइबर्स के लिए जो वराइटी इनकी ग्रो करी जाती है कल्टीवर जो ग्रो करे जाते हैं वो जनरली उनका जो स्टेम होता है वो स्मूथ होता है सिलेंडर होता है और अनब्रांचड होता है इसके बाद आता है कि इसकी जो डोमेस्टिकेशन का जो रेफरेंसेस हैं वो हमें न्यूलिथिक टाइम से मिलते हैं न्यूलैथिक टाइम आप समझते हैं दस हज़ार साल पहले का टाइम न्यूलैथिक टाइम कहलाता है इसके बाद हम इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं लाइक कॉटन like की तरह फ्लैक्स फाइबर इज सेलोलोज पॉलीमर है क्योंकि सेलोलोज बहुत ज़्यादा होता है बट इट्स सोर्स स्ट्रक्चर मोर क्रिस्टलाइन मेकिंग इट स्ट्रॉगर क्रिस्पर स्टीफर टू हैंडल एंड मोर इजिली रिंकल्ड बहुत आसानी से ये मतलब जो है रिंकल्ड हो जाते हैं क्योंकि इनमें स्टेपेस बिल्कुल नहीं है क्योंकि लिग्न प्रेजेंट नहीं है तो ये मोर इजिली रिंकल का जो अगर क्वालिटी है तो इन्हीं की फाइबर के अंदर ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि बिल्कुल ही लिग्न नहीं पाया जाता है अच्छा फाइबर की लेंथ 90 सेंटीमीटर तक है और डायमीटर 122 से 16 माइक्रोन तक पाया गया इनका दे एब्जॉर्ब एंड रिलीज वाटर मोर क्यूकली इट मेक इट बहुत कंफर्टेबल टू बियर इन हार्ड वेदर इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्हें गर्म की जो जलवायु होती है उस इनसे बने प्रोडक्ट को हम हार्ड वेदर में भी बियर कर सकते हैं ठीक है और इसके क्लास को हम क्या बोलते हैं लाइन हमने कई बार आपको बता चुके हैं ऊपर भी इसके बाद हम मार्फोलॉजी की बात करें तो एक एनुअल प्लांट है जिसका स्टेम जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और जो लीप्स होती हैं वो अल्टरनेट और रोबेट अंडाकार टाइप की इसकी लीप्स होती है फ्लावर्स किस तरीके होते हैं स्काई ब्लू ऑलरेडी आपको अपने फिगर दिखा चुके हैं स्काई ब्लू व्हाइट विद टर्मिनल रेसिम एंड ओपन साइम टाइप का इसका इन्फ्लूसेंस होता है एग्रो के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो ये कैसी है एक रबी सीज़न क्राफ है मतलब जो विंटर में ग्रो करी जाती है और स्पेशली इस हम इसे दो तरीके से ग्रो करते हैं फाइबर के लिए और आयल के लिए और स्पेशली जो फाइबर के लिए ग्रो करी जाती है वो टेम्परेट एरिया में ठंडे एरिया और जो ट्रॉपिकल कंट्री में ग्रो करी जाती है वो स्पेशली आयल के लिए ग्रो करी जाती है इसे ध्यान रखना है इसके बाद क्लाइमेट दोनों टाइप की क्लाइमेट में ग्रो करती है टेम्परेट फ्री फ्रॉम हाइवी रेंज एंड फॉस्ट फ्री होना चाहिए स्पेशली टेम्परेट जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उन्हें काफ़ी प्रीफर करता है फ्लैक्स का इसके बाद फर्टिलाइजर में बात करें तो पोटेशियम और फास्फोरस के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो काफ़ी मतलब सूटेबल है इसके लिए बिफोर सोइंग और सॉइल की बात करें तो बेल ड्रेन जो लोमी सॉइल्स होती है वही इसके लिए इंपॉटेंट होती है और प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर एंड ही वेदर ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन इट रिक्वायर्ड अब हार्वेस्टिंग की बात आती है हार्वेस्ट कब करते हैं फ्लैक्स की जो फाइबर्स की अगर देखिए हम हर बात यहाँ पे हार्वेस्टिंग के टाइम भी ये सोचेंगे कि हम क्राप को किस नैरेटिव से हमने कल्टीवेट किया था और किस नैरेटिव से हम इसे हार्वेस्ट कर रहे हैं अगर हमारा मकसद फाइबर प्राप्त करना है तब हार्वेस्टिंग का टाइम डिफरेंट होगा और जब हमारा मकसद आयल प्राप्त करना होगा उसके सीड से तब हार्वेस्टिंग टाइम डिफरेंट होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट जब आप लिखें नोट्स में तो फ्लैक्स फाइबर क्रॉप मैच्योर कब 120 से एक दिन में ये मैच्योर हो जाती है और हार्वेस्टेड बिफोर कैप्सूल मैच्योर देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हैं जब हम फाइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करेंगे तो जो कैप्सूल का मतलब इसके जो फ्रूट्स हैं मतलब जो सीड हैं उनके बनने से पहले उनके मैच्योर होने से पहले ही हम हारवेस्ट कर लेंगे क्योंकि हमें आयल नहीं चाहिए हमें चाहिए फाइबर ऑप्टिमम स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग इज टू थर्ड ऑफ द प्लांट पोर्शन ऑफ द क्रॉप इन एलोवल मतलब टू थर्ड जो क्रॉप है वो आपके पीले का हल्कल की पीली हो मतलब ड्राई की तरफ और टू थर्ड लीव्स आप प्लांट फॉलें मतलब दो तिहाई लीव्स भी गिर जानी चाहिए और टू थर्ड पार्ट प्लांट का जो है वो लगभग पीले कलर का हल्का सा पका हुआ जैसे होता है ना हार्वेस्टिंग स्टेज पे पहुंच जाए फाइबर डिग्रेड वंस द प्लांट टर्न्स ए ब्राउन कलर जैसे ही प्ला अगर उनका कलर ब्राउन हुआ तो जो आपके फाइबर्स के लिए जो ईल्ड है वो एकदम रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि फाइबर जो हो जाए वो ग्रेडिड हो जाएंगे डिग्रेड हो जाएंगे बेकार हो जाएंगे क्योंकि हल्का था येलोई कलर का हो तभी उसे हार्वेस्ट कर लो हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे डन बाई पुलिंग आउट दी प्लांट फ्रॉम दी ग्राउंड एक दो ऐसी है कि उन्हें उखाड़ लें हम दूसरा है कि हम फिर उसके बाद हम क्या करेंगे स्मॉल बंडल्स में बीस बीस तीस सेंटीमीटर के डायमीटर के उन्हें बंडल में बांध के रेटिंग के लिए डाल देंगे अब इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम अर्ली हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा टेंडर एंड फाइन फाइबर क्वालिटी का मिलेगा मगर इल्ड लो होगी अब हम लेट हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपको बता चुके हैं तो इल्ल्ड तो ज़्यादा होगी मगर क्वालिटी जो है कैसी होगी वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी ये ध्यान रखना क्योंकि फाइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी क्रॉप हमारे एग्जाम में है इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अगर अर्ली हार्वेस्टिंग करेंगे तो ईल्ड हमारी कैसी होगी कम होगी क्वालिटी ज़्यादा होगी और लेट हार्वेस्टिंग करेंगे तो क्वालिटी पुअर होगी बाकी इल्ड ज्यादा होगी ठीक है आफ्टर हार्वेस्टिंग रेटिंग इट ट्रेडिशनली कैरीड आउट जैसे दूसरे में आपने पढ़ा था वैसे रेटिंग करेंगे इसकी यहाँ पे भी बंडल इन पाउंड एंड गेट डिप्ड प्रॉपरली इन टू पौंड थ्रू दी हैवी वेट हैवी वेट का मतलब उसके ऊपर केले के जो स्टेम होता है उसे रख देंगे या कोई भारी वजन उनके ऊपर रख देते हैं आई एंड गेट एबजार मॉइस्चर बंडल्स आर केप्ड साइड बाई साइड हॉरिजॉन्टली एंड इमर्ज इन वाटर ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर डीप विद बम्बू आर स्टोन आर बुड इन रिलैक्स रेटिंग प्रोसेस कंप्लीट विद इन थ्री डेज तीन दिन में मतलब बहत्तर घंटे के अंदर रेटिंग प्रोसेस कम्प्लीट कर लेंगे आफ्टर वॉसिंग दिस बंडल्स आर स्टैंड ऑन ग्राउंड फॉर सन ड्राइंग के लिए उसके बाद सूरज में रख देंगे सूरज की रोशनी में फ्लेक्स फाइबर आर एक्सटेक्टिव स्किन आप डिस्टेम देखिए ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको स्किन ऑफ डिस्टेंट मतलब पेरीसाइकिल से ईल्ड आप कल्टिटेशन मैथड फॉलोड बाई जो इल्ड होती है वो किस पर डिपेंड करेगी कल्टिवेशन मैथड पर क्लाइमेटिक कंडीशन पर उस एरिए की और एवरेज ईल्ड जो देखी गई है वो फाइव हंड्रेड टू वन थाउजेंड किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से नोटिस हुई है ठीक है अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है अर्ली की बात है कि फाइन एंड सिल्की फाइबर जो ऊपर है लैकिंग स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ मतलब ईल्ड की बात कर रहे हैं वो कम होगी और लेट करेंगे तो इन्फीरियर क्वालिटी के फाइबर जो बताया ना पुअर क्वालिटी की और फाइननेस जो होती है वो ज़्यादा क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम एक इंपॉर्टेंट बात और है देखिए हमने ऊपर बताया कि लिगिनिन एसेंट होती है मगर जब हम रेटिंग करेंगे तो इसमें लगनिन कुछ ना कुछ परसेंटेज आ जाएगी ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि शुरू में लिग्निन इसमें देखेंगे नॉन लिग्निफाइड फाइबर्स होते हैं बट आफ्टर कंप्लीटिंग दी रेटिंग इनके अंदर लिग्निन का कंसंट्रेशन आ जाएगा तो कह रहे जो इन्फीरियर क्वालिटी फाइबर्स क्यों क्योंकि उनके अंदर लिग्निफिकेशन हो जाएगी और लिग्निन की वजह से क्या होता है उनके अंदर स्टिफनेस आ जाएगी तो उसे बोलते हैं इनफीरियर क्वालिटी के फाइबर्स जब हम लेट इनकी वो करेंगे ठीक है अनलाइक अदर फाइबर्स क्रॉप की तरह फ्लैक्स फाइबर आर पुल्ड फ्रॉम द फील्ड इन ऑफ बींग कट मतलब इन्हें ऐसे खोल लिया जाता है सिंपली कटिंग नहीं करी जाती है पुलिंग कंसिडर बेटर देन कटिंग क्योंकि पुलिंग जो होती है ज़्यादा अच्छी मानी जाती है कटिंग के मुकाबले क्योंकि जो इससे जो इसका मटेरियल निकलेगा भूसा टेन टू डिटी एट कट वो कट करने पे ख़राब हो जाता है हार्ड पुलिंग अगर करेंगे तो वो एक्सपेंसिव एंड स्लो प्रोसेस होती है तो मशीन कटिंग इज नॉट रिगार्डेड बींग दी इंटायरली सेटिस्फेक्ट्री अच्छा हार्ड पुलिंग का मतलब हुआ कि हम ज्यादा जोर से करेंगे हार्ड मतलब तेज़ी के साथ तो वो एक्सपेंसिव एंड स्लो प्रोसेस होगी अब मशीन का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं तो वो पूरी तरीके से सेटिसफैक्ट्री नहीं है क्योंकि उससे उसका जो मटेरियल होता है जो रॉ मटेरियल बनता है उसकी क्वालिटी में गिरावट आई है अब प्रोसेसिंग क्या है इसकी मतलब हार्वेस्टिंग के बाद जो प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें चार स्टेप होते हैं देखिए एक होता है रिपिंग दूसरा होता है स्टीपिंग तीसरा होता है स्टूचिंग चौथा होता है हैकलिंग ठीक है इन चारों स्टेप को देखिए क्या क्या मतलब होता है रिपिंग का मतलब होता है रिपलिंग का कि जो ड्राइड प्लांट होते हैं उन्हें स्ट्रिप मतलब छोटे छोटे पार्ट में कट कर लेते हैं कैप्सूल अलग और लिप्स अलग विद लीस्ट पॉसिबल डैमेज जिससे कि उनका जो स्टेम और बिल्कुल डैमेज ना हो इससे कि उनके फाइबर पूरे पूरे निकलना है और लंबे निकलनाएं इट कंसिस्ट ऑफ ड्राॅइंग द बंडल्स बाई आयरन के रॉड से या फिर लकड़ी के उससे उन्हें हल्के जो जो हम बोलते हिंदी मुगरिया उससे उन्हें कूट लेते हैं थोड़ा सा पुश करते हैं ठीक है उनसे फाइबर अलग अलग हो जाए इसके बाद सेकेंड आता है स्टीपिंग मतलब रेटिंग इसमें क्या करते हैं डीनिटिड स्टेम्स आर बंडल्स सब्जेक्टेड टू रेटिंग बाई डाम रेटिंग जैसे कि डाम में डाल दो डाउ का मतलब एक वाटर बॉडी दूसरा एक टैंक ये होता है बिल्कुल घर में कर लो ठीक है फॉर सेवरल ईयर्स फॉर सेवरल डे सॉरी बताया ना तीन दिन चौबीस घंटे तीन दिन के अंदर अच्छा इसके बाद इसमें दो तरीके होते हैं वाटर रेटिंग भी होता है और एक टैंक रेटिंग वाटर रेटिंग का मतलब हुआ है इसका कि डैम रेटिंग और टैंक रेटिंग का मतलब कि घर में थोड़े स्मॉल लेवल पे तो वाटर रेटिंग कह रहा है कि मोर रैपिड है क्योंकि ओपन बात करता है बहुत ज़्यादा देन ड्यू रेटिंग ड्यू रेटिंग मतलब जो ओस के थ्रू कराई जाते हैं क्योंकि आई नीड बेटर फाइबर्स बट इवाल्स मोर लेबर मगर बाटर रेटिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा क्वालिटी अच्छी आएगी निकल के Essentially, इस एंसिली एक बैक्रो इसमें क्या होता है वाटर रेटिंग में ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इसमें कि बाटर रेटिंग जो होता है बैक्टीरियोलॉजिकल डिकम्पोजन की बात करता है जबकि ड्यू रेटिंग जो होता है वो एक फंगल एक्टिविटी की बात करता है क्योंकि ड्यू रेटिंग में जो डिकम्पोजिशन होगा फंगाई फंजाई के थ्रू होगा और जबकि बैक्टीरिया जब हम बाटर रेटिंग करेंगे तो ये बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज होगा आफ्टर रेटिंग के बाद जो इसका एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है वो ड्राइड आइदर आर्टिफिशियल मीन के थ्रू किसी ड्रायर में डाल के करते हैं या फिर हम इसे सिंपल सूरज की रोशनी में कुछ दिन के लिए डाल देते हैं तीसरा और दूसरा टैंक रेटिंग टैंक रेटिंग अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन में हो रहा है कि अपने हाथ में है ये बिल्कुल टू प्रोड्यूस फाइबर सुपीरियर क्वालिटी फाइबर की कितना लगाना है कितने टाइम तक करना है ओवर स्टेम एंड ड्यू रेटिंग बट इट टेक्स लेस टाइम इसमें टाइम भी कम जाता है मगर अच्छी क्वालिटी के फाइबर भी मिलते हैं मगर इसमें यही बात है कि जब अंडर कंट्रोल है तो कॉस्टली होगी प्रोसेस वाइज ठीक है इसके बाद थर्ड प्रोसेस है स्कूचिंग इस इसमें क्या करते हैं फाइबर आज सेपरेटिव फ्राम द इंटरनल बॉडी जो कि कोर में ऑलरेडी फ्लावर एक दूसरे ने बताया है? नहीं एक दूसरे से मतलब इस तरीके से अटैच होते हैं बाई पेक्टिन मटेरियल के थ्रू एक दूसरे से चिपके होते हैं उन्हें किसी उससे पुश करने के बाद उन्हें अलग करना उसे बोलते हैं स्कूचिंग इट इन्वाल्व टू डिस्टिंगट ऑपरेशन एक होता है ब्रेकिंग एंड कर्सिंग ऑफ द बून बून का मतलब होता है जो अंदर उसके बंडल है बॉडी कोर और दूसरा होता है स्ट्रिपिंग ठीक है इन्हें अलग अलग करना इट फ्री फ्रॉम फाइबर्स फ्रॉम इनर स्टेम इसके बाद थर्ड फोर्थ बनाता है हैकलिंग ब्रेकिंग एंड क्रसिंग ऑफ द बोन ब्रेकिंग करें और बिल्कुल और क्र मतलब क्रच के मतलब ना ना पीसना जैसे हिंदी बोलते हैं बोन मतलब कोर बॉडी को इन दिस ऑपरेशन में क्या होता है बॉडी पोर्शन रिड्यूस टू तो शॉर्ट पीसिस बहुत ज़्यादा छोटे चोड़ छोटे स्टेम में कन्वर्ट हो जाता है आइदर वाई बीटिंग विद द बुडन बर माइलेट किसी मतलब लकड़ी के पार्ट से या फिर पासिंग इट टू ट्रू फ्लूटेड रोलर्स होते हैं जिससे स्मॉल साइज के फाइबर्स मिलेंगे देन फाइबर स्ट्रेंथ रिमूव फ्रॉम द बॉडी पीसेस एंड बाई स्कूसिंग मशीन लास्टली क्या करेंगे शॉर्ट एंड जो स्मॉल टाइप के फाइबर्स हैं उन्हें हम टो तो कहलाएंगे ये देखिए ये मटेरियल टर्म आया तो इसका मतलब होता है कि स्मॉल साइज के फाइबर्स आप सेपरेटेड फ्रॉम लॉन्ग फाइबर विद द हेल्प ऑफ हाइकलिंग मशीन के थ्रू इन्हें अलग कर लेंगे लॉन्ग ब्रोकन फाइबर्स आर कॉल्ड लाइन इन फैब्रिक देखें लॉन्ग बालों को कहेंगे लॉन्ग ब्रोकन फाइबर्स लॉन्ग अनब्रोकन फाइबर जो है वो कहलाएंगे लाइन फाइबर्स इसके बाद होता है स्पिनिंग इनसे बॉई अगर हमसे बुनाई करें तो क्या होगा देखिए लाइन फैब्रिक बन जाएगी बस ये होगा दिस स्पेशल स्किन नीड फॉर स्पिनिंग फाइन फ्लैक्स यान एंड आल्सो फॉर बीविंग द फाइन यान इन टू लाइन इन फाइब्रिक्स इसके बाद आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबर्स फाइबर के करेक्टरिस्टिक्स ठीक है तो फाइबर करेक्टरिस्टिक में क्या है कि नोन फार फाइननेस ड्यूरेबिलिटी फ्लैक्सिबिलिटी मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी एंड ग्रेट स्ट्रेंथ स्पेशली वेन बेट जब भी गीला होता है उस कंडीशन में इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है और मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी की क्वालिटी भी इसके अंदर हीट को कंडक्ट करने की जैसे बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी भी है और ड्यूरेबिलिटी भी है और फाइननेस भी ये फाइबर की क्वालिटी है मॉइस्चर स्प्रेड रेटली फास्टर देन कॉटन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें कि कॉटन कंपेयर में काफ़ी तेजी से मॉइस्चर को स्प्रेड करता है इसी वजह से इसे मतलब थोड़ा सा कॉटन के कंपेयर में दूसरा लेवल का फाइबर मानते हैं इससे बनने वाले प्रोडक्ट को फाइबर सा मतलब थोड़ी चमक होती है इनके अंदर बिकॉज वन परसेंट बैक्स मतलब मुड़ने की क्वालिटी स्मूथ क्वालिटी इन सपलनेस टू द फाइबर मतलब इनके अंदर लाइन इन अपोजिट टू कॉटन डाई पोअरली एंड हैज़ पोअर डाई फास्टनेस ये भी ध्यान रखना है क्योंकि काटन के अपोजिट अगर हम बात करें ये डाई को बहुत हार्डली ये लेता है ठीक है मतलब ज़्यादा सूटेबल नहीं है फाइबर्स आर ट्वेल्व टू थर्टी इंचेस लॉन्ग और सेल जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है बट उनकी सरफेस पे एक ट्रांसमर न्यूडुलर मार्किंग पाई जाती है जो किस तरीके की होती है एक्सेप्ट होती काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की है ये जो सरफेस मार्किंग होती है वो नोडुलर मार्किंग्स होती है ट्रांसवर्स लेवल की होती है जो जि, जिस तरीके की बॉडी बनाती है एक्सेप्ट अच्छा सॉल्ट मतलब ट्रेंगल फाइबर्स यूज इन चीपर मतलब सस्ते और मतलब स्मॉल क्वालिटी के होते हैं जिन्हें फाइबर बोलते हैं और इन्हें हम स्टफिंग मटेरियल में, में यूज़ कर लेते हैं होती नहीं गद्दे वगैरह कुर्सी के सोफे बनने हैं उसमें बनने सी एस मतलब क्रॉस सेक्शन में इनके जो फाइबर को देखो तो उन्हें कैसे दिखाई देते हैं पॉलीगोनल इनकी जो ल्यूमन होती है कैविटी वो स्मॉल होती है और वेल डिफाइंड होती है बट एट टाइम्स क्या होता है कभी कभी वो ऑबरेट रिलेटेड मतलब उसके अंदर मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है ड्यू टू द एक्सटेंसिव थिंकिंग अब आता है इनके इकोनॉमिक एप्लीकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं गाइस लास्ट में देखिए फ्लैक्स इज रिच सोर्स ऑफ ए एल ए अल्फा लाइनोलिनिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये इसके एप्लीकेशन की जो कि एक प्रकर्षण है आपका क्या बोलेंगे वेरी लॉन्ग कार्बन चैन पाली अन फैटी एसिड क्योंकि जो आपका अल्फा लाइनोलिक एसिड है इससे दूसरे भी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बनते हैं जो लंबी चेन वाले होते हैं उसके बाद ई पी ए एक ग्रीन फ्लोर्स में काम आता है लाइनोलियम फ्लोरिंग बनती है लाइनोलियम आपने देखा होगा जो टाइप का कपड़ा आता है जो आजकल फर्श या फ्लोरिंग पे करा जाता है तो लाइनोल फ्लोरिंग भी इससे बनती है इसके बाद डी एच ए डाइकोहेजोनिक एसिड भी इससे प्रिपेयर किया जाता है फ्लेक्स ठीक है अल्फ़ा लाइनोलिक एसिड से इसके बाद ओमेगा थ्री फैटी एसिड जिसका नाम होता है ये वाला जो हमने आपको बताया था डकोसोनिक एसिड ये एक अल्फ़ा थ्री ओमेगा थ्री फैटी एसिड है रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टीमल डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम मैचुरेशन ऑफ विजुअल एक्टिविटी एंड प्री एंड प्री टर्म इन्फेंट के लिए ठीक है ई पी ए और जो आपका चो एसिड है जो मूंगफली में पाया जाता है प्रिकर्सर ऑफ इकोनोसोइन एंड कंपोनेंट ऑफ द मेमिलियन सेल मेम्ब्रेन्स स्पेशली प्रोस्टागलेंडिस ब्लड क्लॉटिंग सिग्नलिंग एंड बी पी रेगुलेशन में ये काम आता है ठीक है अगर हम इसका सेवन करें फ्लैक्स का अलसी का तो हमें ये सब फायदे मिलने के चांसेस हो जाते हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो प्रोस्टाग्रेड के प्रकर्स होते हैं और आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में काम करते हैं ब्लड क्लाटिंग सेल सिग्नलिंग में इनकी मदद होती है ठीक है हमारी आइज की जो ओमेगा थ्री फैटी एसिड आपने सुना होगा कि फिश में पाया जाता है वो अगर प्लांट में सोर्स अगर सर्च करें तो फ्लैक्स में पाया जाता है इसके अलावा इसकी अगर डिफिशेंसी हो जाए हमारी बॉडी में तो कहीं ना कहीं हमें डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं कैंसर अर्थराइटिस इन्फ्लमेंट्री डिजीज डिप्रेशन हाइपर टेंसन मेमरी प्रॉब्लम्स और आपका वेट गेन वेट बढ़ने लगता है इसका इसका मतलब अगर वेट कम करना है तो हमें फ्लैक्स खाना चाहिए इसकी एपसेंस में हमारा वेट गेन होता है और कुछ एलर्जी भी हो जाती है ठीक है भाई इसके बाद फाइन ग्रेड जो फ्लैक्स वूविन अगर करें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखें इसके फाइन ग्रेड फ्लैक्स वूविन फैब्रिक जो फ्लैक्स से फैब्रिक्स बनती है उसमें आपका कैम्ब्रिक्स डमस्क सीटिंग्स लेसिस फॉर अप्रैल अप्रेल मतलब होता है ऊपर वाले कपड़े जो पहनने के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं हाउस होल्ड फर्निशिंग एंड लाइन इन थ्रेड बनाने में काम आता है अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी कि सोल्जर जो थे पुराने टाइम में जब युद्ध पे जाते थे तो वो इसे ले कैरिट करते थे ड्यूरिंग दी बार बिकॉज इट्स इमेंस न्यूट्रिशनल बेनिफिट देखते हैं समझ सकते हैं आप कितना ज़्यादा न्यूट्रिटिव है आपका फ्लैक्स ठीक है अच्छा गार्मेंट्स जिससे बनते हैं फ्लैक्स के वो कोलेस्ट होते हैं एट ऑल फैब्रिक्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी ज़्यादा कोलेस्ट कौन से रहते हैं ये फ्लैक्स वाले कपड़े रहते हैं क्योंकि कंडक्ट करते हैं हीट फ्रॉम द बॉडी मोर रैपिडली देन कॉटन सो फ्लैक्स मेक इट सेल्फ ए फेवरेट क्लॉथिंग इन टोट कंडीशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक करोड़ का पॉइंट है ध्यान रखने सबसे ज़्यादा क्लिस्ट जो गारमेंट्स किसके होते हैं आपको फ्लेक्स के होते हैं क्योंकि बहुत रैपिडली ये मॉइस्चर वगैरह को या हीट को इसके बाद इसके जो छोटे टाइप के जो फाइबर्स होते हैं कोजर ग्रेड के फाइबर जो होते हैं वो कैनवास डग्स टॉबलिंग ट्वेंस हाउस फायर बैगिंग इंडस्ट्रियल स्विमिंग थ्रेड्स इन सब बनाने में काम आते हैं नेट सिगरेट पेपर फाइनल राइटिंग पेपर और इंसुलेशन मटेरियल अदर यूज में एक आयल जैसे लेंसीड आयल बोलते हैं वो बनता है इनके सीट से मिलता है री इन्फोर्समेंट मटेरियल ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेन कि री इन्फोर्समेंट मटेरियल जिसे बोलते हैं कंपोजिट मटेरियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मोर सुटेबल मटेरियल ठीक है ये हमारा सिविल इंजीनियरिंग में इसका काम होता है इसके बाद कंपोजिंग कार्ड बनाने मोटे मोटे रस्से या धागा बनाने में टेक्सटाइल मटेरियल आयल ऑफ लेंसीड रिसेंटली यूज ह्यूमन कंज्शन टू प्रिवेंट कोविड ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ ए एल ए ध्यान रखना लिगिन इन फाइटो स्टेरोन्स एंड सॉल्यूबल फाइबर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए कोविड का आजकल टाइम चल रहा है तो कोविड के लिए तो वो सॉरी सी वी डी के लिए अभी कोविड के लिए भी, भी, भी आएगा इसमें कार्डियोबेस डिजीज में इसका काम आता है इसके बाद देखिए रिचेस्ट प्लांट होगा वो ओमेगा वो थ्री फैटी एसिड इट इज़ पोटेंशियल फॉर वेजिटेबल अल्टरनेटिव टू फिसाइल केवल फिसाइल में एनिमल में देखो तो फिश में पाया जाता है अगर प्लांट में देखें तो ये आपका फ्लैक्स में पाया जाता है सो इट इज यूज फॉर न्यूट्रासटिकल्स वैल्यूबल फीड स्टॉक्स टू फिश पोल्ट्री के लिए अगर फिश पालन में अगर इसका कचरा जो होता है वो हम फिश को खिलाएं पोल्ट्री फार्म में भी खिला सकते हैं इसके बाद देखिए फाइबर्स अल्फा अल्फालाइनोरिक एसिड लिग्नेंस नेंस फैट बन फैट बन का काम क्यों है क्योंकि इट इज़ ग्लूटिन फ्री सो इज ए सब्सिट्यूट ऑफ व्हीट एंड राइस ये भी ध्यान रखना उधर अगर हम इसके प्रैक्टिकल देखें फाइबर्स के तो इट इज़ सब्सटीट्यूट ऑफ द ग्लास फाइबर्स अगर हम इसका अपने डाइट में देखें तो इट इज सब्सिट्यूट ऑफ द राइस एंड व्हीट व्हीट राइस ना खा के हम इसे लाइन इन को खाएं वो सारी फ्लैक्स को खाएं क्योंकि इट इज़ ग्लूटिन फ्री तो ये फैट बर्न करने में काम आता है ध्यान रखना है आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इसके बाद लिंसी डाइल इज अल्टरनेटिव ऑफ द फिसाइल क्योंकि ये सबसे बड़ा इकोसानिकसिड टेपोनिक एसिड या एस बोलते हैं सभी ओमेगा फैटी एसिड से फ्लेक्स के सीड में जो सॉलवेल और इन दोनों टाइप के फाइबर्स होते हैं और लिंगनियम्स होती है रिड्यूस सी एंटी कैंसर है कोलन कैंसर को कम करता है प्रोस्टेट कैंसर को कम करता है फ्लेक्स फाइबर यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर लाइन इन क्लॉथ एंड पेपर इंडस्ट्री फीड स्टॉक्स जो अपने एनिमल बोफाइलों या फिर पोल्ट्री फार्म में यूज करा कराता है नेचुरली हाई इन पाली अनसोचुनेटेड फैटी एसिड जैसे ओमेगा थ्री फैटी एसिड कैसा है आप ध्यान रखना ओमेगा थ्री फैटी एसिड पाली अनसेचुरेट फैटी एसिड है इसके बाद पोल्ट्री मिल में भी काम आता है जैसे फिश मिल में आता है फिश पोल्ट्री में इसी तरीके से पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन जो होता है इसका पेंट एंड फ्लोरिंग लाइनो नियम आपने पता होगा इससे पहले भी लाइनोनियम आया था तो वो भी यहाँ पर लाइनोनियम ही बनता है इसके फाइबर से जो मैट आती है आजकल नॉबल आइल प्रोफाइल इसकी जो आयल प्रोफाइल है बहुत अच्छी होती है इसके आयल में जो कंसंट्रेशन जो हमारी बॉडी को रियल में चाहिए वो इसकी बहुत अच्छी होती है कल्टीबल ग्रोन्ड फ्लाजी फाइबर पर पे टाल विद स्ट्रेट कॉलम इन बड़े बड़े मतलब उनके बीच के नोट्स एंड नोट होते हैं एंड हैज फ्यूर सेकेंडरी ब्रांस सेकेंडरी ब्रांस बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं जो कि एक अच्छा करेक्ट है इन पॉइंट ऑफ व्यू फाइबर प्रोडक्शन इसके बाद आता है अगर हम बायोटेक्नोलॉजी कल की बात करें थोड़ा सा कि इस स्क्राउक किस तरीके से कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है तो देखिए फ्लैक्स कैन बी ट्रांसफार्म बाई एग्रो बैक्टीरियम द्वारा जो एग्रोबैक्टेरियम मीडिएटेड बायोलिस्टिक मैथड होती है उसके द्वारा ठीक है हम इसे ट्रांसफार्म कर सकते हैं और बोलिस्टिक मेथड दो मेथड के थ्रू उसके बाद है फ्लेक्स वैरायटी कंटेनिंग सिंगल जीन मॉडिफिकेशन एंड प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट एंड हर्बिसाइड कौन कौन से हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट ग्लूसोसनेट एंड सल्फोनिल यूरिया द्वारा इनमें रेजिस्टेंस होता है इसके अलावा एक सी डी एक कल्टीवर होता है लिन्ड का जो कि जनरली एक इनडेंजर फ्लैक्स कल्टीवेशन ग्लोबल वर्ल्ड मतलब क्योंकि कनाडा से एक जो नया मतलब कल्टीवर रिलीज हुआ था इसने पूरी दुनिया में जो फ्लैक्स कल्टिवेशन हो रहा था उसे खतरे में ला दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंट है टू तो सल्फोनिल यूरिया एंड अदर टाइप काइंड ऑफ हरवी साइड्स मतलब ये 1998 में कनाडा में बनाई गई थी कल्टीवे लिनसीट का सी डी ध्यान रखना है आपको गाइज सो थैंकफुल फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो ऑन द फ्लैक्स एंड आई होप कि जितना भी मैंने पढ़ाया इससे सभी जो एम सी क्यू टाइप क्वेश्चन बनने रहे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बताऊँगा थैंक यू वेरी मच गाइज